वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप कभी भी अपना डाटा ऑन करते हो, जैसे ही आप डाटा अपने ऑन करते हो तो आपका जो MB है बहुत ज़्यादा स्पीड से जो कि वो ख़त्म होती है, और आप उतना MB यूज़ करते भी नहीं हो फिर भी वो MB ख़त्म हो जाती है। ये ख़त्म कैसी होती है और इसको MB डाटा को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट कर देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप कभी भी अपना डाटा यूज़ करते हो तो आप अपने डाटा को जितना आप यूज़ करना चाहे उतना आप यूज़ करते भी नहीं हो, उससे ज़्यादा आपका डाटा जो है ख़त्म हो जाता है, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो आप सोचते हो कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो फ़ोन में वो रनिंग ऐप बहुत ज़्यादा चलने लगती है। जैसे कि रनिंग ऐप को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। ये है मेरा ओप्पो A520 के फ़ोन, और ऐसे भी बहुत लेटेस्ट फ़ोन अभी निकले हैं उस सब में भी ये सेटिंग होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओप्पो का फ़ोन के लिए ही ये वीडियो, कोई भी फ़ोन के लिए ही वीडियो है, ठीक है। उसके सेटिंग में जाने के बाद आपको उसके ऐप मैनेजमेंट में जाना होगा। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है और सिस्टम ऐप है सब यहाँ आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ यूज़फुल नहीं लगता उसको आपको सिंपली से अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सो सिस्टम प्रोसेस में सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली से बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद डेटा एंड मोबाइल नेटवर्क में सिंपली सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा आपको सबसे नीचे चले जाना है और एक ऑप्शन आपको दिखेगा डेटा सेविंग का, ये अगर ऑफ रहेगा तो उसको सिंपली से आपको ऑन कर देना। जैसे ही आप ऑन कीजिएगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें नोटिस पढ़ लीजिएगा और इसे ऑन सिंपली से कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑन कीजिएगा यहाँ पर एक और ऑप्शन नीचे की ओर दिख जाता है, तो इसे आप सिंपली से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप किन किन ऐप में आप डेटा बचाना चाहते हो उस एप्लीकेशन को ऑन कर दीजिए सेलेक्ट करके, ठीक है। ऐसे ही करके आप अपने फ़ोन के डेटा को सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको सिंपली से अपना फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो डाटा है वो सेव होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय बाय।